हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ बेहतरीन कंपनियों की जो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा मोटा वेल्थ बना के दे सकती है। तो दोस्तों, इन सारे स्टॉक्स में आप काम कर सकते हो, बेहतरीन कंपनियाँ। तो पहली जो स्टॉक है वो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में दोस्तों क्या है, फर्टिलाइज़र का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक फसलें उगती रहेंगी, जब तक लोग रहेंगे, तो तब तक ये कंपनियां चलते रहेंगी, ठीक है। तो बस कंपनी को देखना है कि कंपनी का क्या भाव चल रहा है। तो कंपनी का देखते हैं दोस्तों, एक साल के अगर हम देखते हैं तो डिसेंट इसके रिटर्न्स हैं, 23% के रिटर्न्स हैं, ठीक है। तो स्टॉक बहुत बार आपको मल्टी नीचे गिरता है तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इसको पिक करने की, ठीक है, एक्यूमलेट करने की, ठीक है। बात सारी की सारी हुई दोस्तों एक्यूमलेशन और होल्डिंग और पेशेंस, ठीक है। तो वहीं से आपका आने वाले टाइम में पैसा बनेगा, ठीक है। 23% का अच्छे खासे रिटर्न अगर बैंक से कंपेयर करें तो अच्छे खासे रिटर्न बन रहे हैं। मार्केट कैप देखो तो एक छोटी कंपनी है, तो यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स होने के पूरे के चांसेस है, ठीक है। मात्र 5,000 करोड़ की कंपनी है, कल को अगर ये 10,000 करोड़ पर पहुँचती है या 15,000 करोड़ पहुँचती है तो यहाँ से आपका पैसे 3 से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी छोटी है तो यहाँ पे क्या करना है, कम अमाउंट लगाना है और लॉन्ग टाइम के लिए लगाना है और एक्यूमुलेशन में काम करना है, तो ठीक है। ऐसे करके दोस्तों कंपनी आपका अच्छा खासा पैसा बना सकती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर देखेंगे दोस्तों, इसमें भयंकर गिरावटें चलती रहती हैं, PSU कंपनी है। तो देखिए, ये जो फर्टिलाइजर जो सेक्टर है दोस्तों, इसमें क्या है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कमेंट्री चलती रहती है, रिस्ट्रिक्शन चलते रहती है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। पर एंड में दोस्तों देखोगे कि आप ये स्टॉक आपको ऊपर को ही जाते हुए दिखेगा, क्योंकि इसकी कमी कभी इनका दोस्तों काम ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी फसलें उगती हैं तो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर की आने वाले टाइम में बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ता रहेगा और आपका पैसा बनाता रहेगा, ठीक है। बीच बीच में भयंकर गिरावटें होती हैं, पर यहाँ पे गिरावटों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत टाइम से नीचे था, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये 150 रुपये जाते हुए दिखेगा, तो आपका यहाँ से अच्छा खासा मोटा मुनाफा बनता रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में दोनों में पैसे दे रहा है। मार्केट कैप बहुत छोटी है तो थोड़ा सा रिस्की है, तो ये रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी है, तो आने वाले टाइम में यहाँ से आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, जो अगला स्टॉक है वो है इजी ट्रिप प्लानर, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो क्या है, लोग अपने अपनी छुट्टियां प्लान करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको तो क्या LTC मिलता है, ठीक है। जो प्राइवेट जॉब करते हैं दोस्तों, वो भी प्लान करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कोई कोस्टल एरिया में जाना चाहता है, कोई दोस्तों माउंटेन एरिया में जाना चाहता है, तो ये कंपनियाँ फलती फूलती रहती है। तो कंपनियाँ भी मात्र 46 रुपये की है, तो इस कंपनी में आप एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासी क्वान्टिटी ऐड कर सकते हो। मार्केट कैप देखोगे दोस्तों 8,000 करोड़ की मार्केट कैप की है, तो एक छोटी स्मॉल कंपनी है, तो यहाँ से भी दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न्स होने के बहुत बहुत पूरे चांस है। तो यहाँ से अगर दोस्तों 10 से 15,000 करोड़ की कंपनी बनती तो आपका पैसा 2 से 3 गुना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 46 से आने वाले टाइम में दोस्तों आपको 60 रुपये जाता हुआ दिखेगा। तो धीरे धीरे क्या है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट पूरी के पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रहा है। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रही है दोस्तों, वो हॉलीडे ज़्यादा इन्जॉय करना चाहती है रेदर देन की सेविंग्स से, ठीक है। लोग अगर अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे दोस्तों कंसेप्ट ये पूरा चेंज हो रहा है, लोग घूमने पे ज़्यादा पैसा स्पेंड करें, तो ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा मोटा मुनाफा देती हुई रहेंगी। तो इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी आपका पैसा बन रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कंपनी, ठीक है। अगर देखेंगे एक साल में बिल्कुल भी भागा नहीं कंपनी, ठीक है। पास्ट एक साल में दोस्तों कंपनी भागेंगी, तो कंपनी उसी को दोस्तों वही अच्छे खासे रिटर्न्स देगी जो बिल्कुल भी भागी नहीं, ठीक है। अगर कोई कंपनी 100% या 200% 400%, या तो सपोज IRFC को ले लो या RBL को ले लो, तो 3-3, 4-4 गुना एक साल में भाग गई है, ठीक है। तो दोस्तों वो वहाँ से वो स्टॉक को दोस्तों मल्टीबैगर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो एक साल में इतनी ज़्यादा भाग चुके हैं, तो वहाँ से हो सकता है चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी थोड़ा सा नीचे आ जाए, उसके बाद टाइम लेके फिर आगे वो बढ़ेगी, ठीक है। तो नीचे जब कंपनी होती है उस टाइम पर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल भी भाग नहीं है, आने वाले टाइम में दोस्तों आपको भागते हुए नजर आएगी, ठीक है। बिल्कुल देखिए, आप इसका ग्राफ देखिए, बिल्कुल भाग ही नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्योंकि दोस्तों अभी आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पहले जो लोग हुआ करते थे वो बिल्कुल घूमने में बिलीव नहीं करते थे, तो जो नई जनरेशन है वो घूमने में बिलीव करती है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। अब
हर कोई कमा रहा है, तो क्या है दोस्तों वो इंजॉय भी करना चाहता है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त आपको ग्रोथ दिखाते हुए दिखेगी। तो उस कंपनी में क्या कर सकते हो, SIP में काम कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी आपकी क्वान्टिटी ऐड करके क्वान्टिटी अच्छी खासी लेके से छोड़ दो, आने वाला टाइम में पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, जो अगली कंपनी दोस्तों ये भी PSU कंपनी है, SAIL, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये क्या है, ये कंपनी तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगती रहती है गवर्नमेंट द्वारा मेटल पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो उसकी वजह से क्या है थोड़ा सा प्राइस आपको नीचे देखने को मिलता है। बट क्या है एंड ऑफ द डे जब सिचुएशन सही होती है तो ये कंपनी भागती हुई नजर आएगी। ठीक है, 102% के रिटर्न इसने एक साल में बना के दिए हैं। ऑलमोस्ट जिसने यहाँ पे 1 लाख रुपये लगाया उसका 2 लाख हो गया है, जिसने 10 लाख रुपये लगाया उसके 20 लाख हो गए। ठीक है, तो पैसा इसने डबल कर दिया सिर्फ एक साल कर दिया। तो ये कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर को भाग रही है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी और भी आती हुई जाते हुए दिखेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा काम होता हुआ दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, बहुत सारी क्या है दोस्तों, बहुत सारी ट्रेन्स आनी है, बसेज आनी है, तो उनमें क्या स्टील की बहुत ज़्यादा खपत होनी है, तो ये सारी कंपनियों का अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो इस कंपनी में आप क्या कर सकते हो, आप इस पर कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 170 का इसने हाई बनाया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 80 के इंच इसने बॉटम बनाया। ठीक है, तो बीच में घूमता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, तो यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न बनेंगे लॉन्ग टर्म में। दोस्तों बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी, मार्केट कैप देखो तो ये मिड साइज की कंपनी है, ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ की कंपनी। ठीक है, यहाँ से कल को ये लार्ज कैप बनती तो आपका पैसा यहाँ से अच्छा खासा बन सकता है। तो इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए, अच्छे खासा आपको डिविडेंड भी देता रहता है। दोस्तों जो अगली कंपनी है टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। तो क्या है कि दोस्तों आने वाले टाइम में जैसे कि EV का टाइम है, तो EV का तो टाइम तो है दोस्तों, जैसे कि EV के सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो आपको बैटरीज के सेक्टर, ठीक है, बैटरीज बनाने वाली कंपनियाँ भागती हुई नजर आएंगी, EV की जो व्हीकल बनाती हैं वो भागती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों ये कंपनी टाटा एलेक्सी की क्या है, ये करती है प्रोग्रामिंग जो उस पर प्रोग्राम्स लगते हैं, जो कमांड जो दी जाती है, ठीक है, EV में जो मशीन को, तो ये उस पर काम करती है प्रोग्राम। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा खासा इस पर काम होते हुए नज़र आ रहा है, तो ये प्रोग्रामिंग वगैरह पे काम करती है जो EV के लिए जो यूज होती है। ठीक है, तो ये टाटा मोटर्स को दोस्तों ये सप्लाई करेंगे, उसके अलावा भी दोस्तों ये बाहर दूसरी कंपनियों को क्या है इनको बेचते हुए भी नज़र आएंगी। तो ये कंपनी आपको अच्छे खासे गिरावट में देख रही है, अगर आप देखोगे तो एक साल में बिल्कुल भी भागा नहीं है, मात्र 6% के रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, अगर हम 5 साल के इसके चार्ट पे देखें तो देखिए अपने ऑप्शन अच्छा खासा आपको डिस्काउंटेड लेवल में देखिए, ये कंपनी कहाँ पे हुआ करती थी 10,000 के आसपास हुआ करती थी, आज क्या 7,000, ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 20-25% आपको नीचे मिल रही है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों सेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, फ्यूचर की कंपनी है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती, तो इस कंपनी में आप कह सकते हो निवेश कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका अच्छा खासा पैसा बनता होने जाएगा। कंपनी बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है, 44,000 करोड़ की कंपनी है, मिड साइज की कंपनी। ठीक है, लार्ज कैप बनने की पूरे का पूरा पोटेंशियल लगती है, प्राइस पे बिल्कुल भी नहीं आना है, मार्केट कैप से दोस्तों डिसाइड होता है कि कंपनी छोटी है बड़ी है। ठीक है, तो ये कंपनी आपको डिस्काउंटेड लेवल पर मिल रही है, अगर आप मैक्सिमम से हाई करेंगे तो देखिए 9,200 इसने एक साल में हाई बनाया, 6,000 नीचे भी आई, तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिली है। अभी 7,000 यानी अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हो, आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोटा मुनाफा बना के देगी ये कंपनी टाटा एलेक्सी। ठीक है, कंपनी बहुत शानदार है, ज़बरदस्त काम है, फ्यूचरिस्टिक काम है, तो अगर फ्यूचर को देखते हुए अगर आपको निवेश करना है तो इस कंपनी को भी आप कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। आपको क्या करना है, SIP में काम करना है, जब जब गिरावट होती है तो कंपनी क्या है दोस्तों महंगी कंपनी है प्राइस वाइज, क्योंकि अभी इसमें बोनस मिला नहीं है, इस पर मिला नहीं, तो इसलिए आपको हाई प्राइस पर देखते, तो आप क्या कर सकते हो एक स्टॉक आपने इस महीने खरीद दिया, जब गिरावट होती दो स्टॉक एक में स्टॉक फिर खरीद लिया, ऐसे ऐसे करके दोस्तों 25-30 स्टॉक खरीद लोगे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दोगे तो आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगला जो स्टॉक है दोस्तों वह है बजाज फिनसर। तो दोस्तों बजाज फिनसर वह है, ठीक है, ये दोस्तों एक पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, तो ये कंपनी का भी काम धंधा बहुत अच्छा ज़बरदस्त है, जनरल इंश्योरेंस पे काम करती है। तो कंपनी अभी कहाँ पे मिल रही है, 1600 के आसपास मिल रही है। ठीक है, 1600 के आसपास मिल रही है, आने वाले टाइम पे 2000 जाते हुए दिखेगी। तो इस कंपनी को भी दोस्तों आप क्या कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हो। 1700 के आसपास इसने हाई बनाया था, 1300 नीचे गया, तो जिसने 1300 के लेवल पर खरीदा होगा दोस्तों उसका तो अच्छा खासा
से पैसा बन रहा है। तो जिसने यहाँ पे 1600 के आसपास एंट्री मारी है तो और यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ह्यूज अमाउंट में बिल्कुल भी एंट्री नहीं मारनी है, धीरे धीरे SIP में ही काम करना है। अगर लॉन्ग टर्म में काम करो तो SIP में काम करना है, क्योंकि बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोअर प्राइस पर भी एवरेज करने के लिए। ठीक है, तो इस कंपनी को भी आप फोकस कर सकते हो। एक साल के अगर रिटर्न की बात करोगे तो एक साल में कितने रिटर्न बना के दिए इसने, 19% के एक शानदार रिटर्न बना के दिए। दोस्तों अगर आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न कहीं पे मिल जाए तो आप उसको बहुत अच्छे रिटर्न ही कंसिडर करोगे, क्योंकि आपको बैंक के कंपैरिजन बहुत अच्छे रिटर्न है वो। ठीक है, तो कंपनी गिरती है बढ़ती है, तो एक साल में ऐसे करके तो आपके अच्छे खासे रिटर्न बना के दे रही है। और लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों अच्छे खासे रिटर्न यहाँ से बन के देगी कंपनी देती है। 5 साल के देखो बिल्कुल भी भागी नहीं है। तो दोस्तों ये कंपनी पहले हाई प्राइस पे होती थी, आप यहाँ पे क्या स्प्लिट होके आपको अच्छे खासे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर सके, इसलिए आपको अच्छे खासे 1600 के भाव पे मिल रही है। तो दो स्टॉक आपको आने वाले टाइम में क्या 2000 के आसपास जाते हुए मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो ये कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ब्लू चिप कंपनी है। मार्केट कैप देखोगे तो एक लार्ज कैप कंपनी, 2,59,000 करोड़ की कंपनी है, जिसने हाई आपको 1700 बनाया है, 1300 लो बनाया है, और इसमें थोड़ा बहुत आपको डिविडेंड में मिलता है, PE 32 का चल रहा है। तो कंपनी बहुत शानदार है, अच्छा खासा काम है, आने वाले टाइम में भी काम होते रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस का काम दोस्तों बढ़ना ही आने वाले टाइम में भी। ठीक है, और अच्छे खासे ग्रुप को बिलोंग करती है, बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है, तो आपका यहाँ से बिल्कुल भी पैसा डूबने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वेट करना है, होल्ड करना है, और लॉन्ग टर्म का इंतजार करना है, आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंपनी को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से चेक कर सकते हो, उनको एनालिसिस करते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हो। सारी बेहतरीन कंपनी है, और खुद से भी इनमें क्या स्टडी कर सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स में आप इनको पिक करके शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों सारी सारी कंपनी से पैसा बनना ही तय है। ठीक है, तो ये सारी कंपनी को आप फोकस करिएगा और आने वाले टाइम में यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।